अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़े ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में बिजली और गरज देखने के हवाले से। ये इस वीडियो का पार्ट टू है। अगर इस वीडियो में से आपको अपनी रिक्वायर्ड ताबीर नहीं मिलती तो आप इसका पार्ट वन भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि बिजली काले और फंसे हुए बादलों को एक दूसरे से जुदा कर रही है तो इस ख्वाब का मतलब ये है कि एक इंतहाई मुश्किल और थका देने वाले दौर से गुजरने के बाद, जिसका हर लम्हा हसरत और बदबख्ती के साथ था, आप इस दौर में दाखिल होंगे जहां खुशकिस्मती आएगी और आपको बड़ी किस्मत मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी की तमाम बदकिस्मतियों और परेशानियों से दूर हो जाएंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि बिजली बराह रास्त आपके सर के ऊपर है तो ये ख्वाब एक अच्छी अलामत है और आपकी हकीकी ज़िंदगी में खुशहाली और खुशी और कामयाबी के हसूल और नफ़ा हासिल करने की निशानदेही हो सकता है। आसमान के जनूबी हिस्से में बिजली का चमकना एक बुरी अलामत हो सकती है। ये मुमकिन है कि कोई बदकिस्मती आपके रास्ते में आ जाए और आपको कुछ देर के लिए जो कुछ भी करें उसमें आपको बदकिस्मती और मनफी नतज का सामना करना पड़े। आसमान के जनूब मगरबी हिस्से में बिजली चमकना एक अच्छी अलामत है। बड़ी खुशकिस्मती आपके मुंतजर है जो आपकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और मुतमईन बना देगी। अगर आपने ख्वाब में आसमान के शुमाली हिस्सों में बिजली की चमक देखी है तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको अपने रास्ते में हाई रुकावटों को दूर करना है। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। बेहतर है कि खुद खड़े हो जाएं और अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करें बजाय इसके कि सोचें कि क्या करना है। आपने ख्वाब में आसमान के मशरक़ी हिस्से में बिजली देखी है तो ये ख्वाब भी अच्छी अलामत है। आपको इज्जत, मकाम, दौलत और जायदाद आसानी से मिल जाएगी। दरहकीकत ये ख्वाब आपको बताता है कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप गंदे और बेतरतीब बादलों के दरमियान बिजली चमकते हुए देखते हैं तो ये ख्वाब भी अच्छी अलामत नहीं है। इस बात का इम्कान है कि आप किसी नुकसान में फंस जाएंगे या किसी मसले में फंस जाएंगे और इससे निजात के लिए आपको मजबूत इरादे और उम्मीद की ज़रूरत होगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि बिजली गिरने से आपकी जान चली गई तो ये ख्वाब एक ऐसे वाक्य के बारे में बताता है जो आपकी ज़िंदगी को उल्टा कर रख देगा। इस ख्वाब से ये भी समझा जा सकता है कि उन तब्दीलियों का ताल्लुक बातन और रूह से है और आपके वजूद के किसी हिस्से के तजर्बे से है। इस कुदरती मजहर की तवानाई उबलने की अलामत हो सकती है जो आपकी तरफ से दबा दी गई है और उन्हें उबरने और खारिज होने का मौका नहीं मिला है। अगर आपने ख्वाब में कोई दरख्त देखा जिस पर आसमानी बिजली गिर गई तो यह ख्वाब अच्छी ताबीर नहीं रखता। आपको सदका लाजमी करना चाहिए। अगर आपने अपने ख्वाब में बहुत सी मुख्तसर बिजली देखी है तो आपके ख्वाब की ताबीर अचानक आने वाले ख्यालात के बारे में बताती है। हो सकता है कि आप अपने जहन में कोई नई तख्लीकी सलाहियत पैदा करें या आपकी अपनी कोई तजवीज़, एक नया नुक्ता नज़र और बसीरत वगैरह आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए और इसकी वजह से आप बहुत सी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। अगर आपने ख्वाब में सिर्फ गरज की आवाज़ सुनी है तो ये ख्वाब किसी खतरे और मुसीबत की निशानदेही करता है जो बिल्कुल उस वक्त पेश आएगा जब आपको ऐसी परेशानी की तवक्का ना हो। अगर आपको ख्वाब में पहले रोशनी और बिजली की चमक और फिर गरज की आवाज़ आती है तो इस ख्वाब की नागवार ताबीर है। आप अपने किसी दोस्त को खो सकते हैं। अगर आपने ख्वाब देखा है कि घर में बिजली गिर गई है तो ये ख्वाब किसी दोस्त के दुनिया से रुखसत होने की अलामत है। आप जल्द ही किसी को खो देंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि किसी दरिया या झील के पानी पर बिजली गिरती है तो ये ख्वाब खुशकिस्मती, कामयाबी और फ़ख्र की अलामत है। किसी भी सूरत में तशरीह अच्छी और मुस्बत है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आसमानी बिजली गिरने से जानवरों की मौत वाकिया होती है तो ये ख्वाब आपकी ज़िंदगी में बड़े ख़तरे की निशानदेही कर सकता है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि बिजली की रोशनी से रात रोशन हो गई तो इसकी तशरीह लड़ाई, जंग, तनाज़ा और नाखुशी की तरफ इशारा करती है। आसमानी बिजली से ज़ख्मी होना। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप पर बिजली गिर रही है तो ये ख्वाब एक बहुत संगीन बीमारी की तरफ इशारा करता है। आपको अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप पर आसमानी बिजली गिर गई है लेकिन आप ज़ख्मी नहीं हुए तो ये मुमकिन ख़तरे से बचने के लिए आपकी नाहली की तरफ इशारा कर सकता है। आसमानी बिजली से चोट। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप पर बिजली गिर गई है और आपके जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा है तो ये ख्वाब नाकाबिल तलाफी तब्दीलियों की अलामत होगा। दूसरे लफ्ज़ों में शायद ये आपकी ज़िंदगी के ज़ख्मों को जाहिर करता है जिन्हें अब भी याद करने से उलझन और उदासी पैदा होती है। नीली रोशनी के साथ बिजली। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आसमान पर बिजली नीले रंग की है तो ये ख्वाब इसे नागहानी वाक़े के बाद होशियारी और इतला और बेदारी की तरफ इशारा करता है जिसकी वजह से आपको कुछ मसाइल की निशानदेही और उनकी शिनाख्त होगी। जामनी रोशनी के साथ बिजली। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आसमान पर बिजली की चमक में जामनी रंग की रोशनी है तो ये ख्वाब आपकी ज़िंदगी में वफादारी, अज़म और अचानक जश्न और खुशी की निशानदेही करता है। ये मुमकिन है आप मुस्तकबिल करीब में बहुत मशहूर और मारूफ लोगों से मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में उनका दाखिला आपके रवैये, नुक्ता नज़र और ज़िंदगी के रास्ते को चौंका देगा। सब्ज़ रोशनी के साथ बिजली। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आसमान पर बिजली की रोशनी सब्ज़ है तो ये ताकत, काबिलियत और जानदार होने की निशानदेही करती है। अगरचे आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं और आप बहुत संगीन और गैर आरामदेह वाक़ात से गुजर चुके हैं, आपने ज़िंदगी में अपनी ताकत और अपनी उम्मीद कभी नहीं खोई।
शायद इन दिनों की नकल व हरकत के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत से खूबसूरत वाकयात आएंगे, लिहाजा गमगीन ना हो और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। सफ़ेद रोशनी, अगर हम ख्वाब में देखा कि आसमानी बिजली की वजह से सफ़ेद रोशनी निकली है तो यह ख्वाब किसी दोस्त और रिश्तेदार के बारे में अचानक बेदारी की नुमाइंदगी करता है। दूसरे अल्फाज में यह ख्वाब नए कनेक्शन और नए दोस्तों की अलामत हो सकता है। आग के साथ गरज, अगर आपने ख्वाब देखा कि बिजली आग के साथ है तो ये ख्वाब एक खुशगवार और शानदार वाक्य के बाद अचानक तब्दीली और दोबारा जन्म लेने की अलामत है। हो सकता है आपका सोचने और अमल करने का अंदाज बिल्कुल उल्टा हो जाए और आप बिल्कुल बदल जाएं। इसके अलावा आपका मकसद मंसूबों को मुकम्मल करना और अपनी कोशिशों से नतीजे हासिल करना होना चाहिए। तूफान और बिजली, अगर आपने ख्वाब में देखा कि गरज के साथ तूफान है तो इस ख्वाब का मतलब बुरी और भारी खबर है जो आप जल्द ही सुनेंगे। ये वाक्यात एक के बाद एक आपको हैरान कर देंगे। आसमानी बिजली से अंधा होना, अगर आपने ख्वाब में देखा कि तूफान के दौरान आप अंधे हो गए और आपकी बिनाई ख़त्म हो गई तो तस्वीर नए मौके दिखाती है। ये मौके आपके लिए बहुत से फ़ायदे लेकर आएंगे और आपके माशी, कारोबारी और समाजी मामलों में अच्छी पोजीशन रहेगी। आपकी बीवी पर आसमानी बिजली गिरना, अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपके शरीक हयात पर बिजली गिरती है तो ये ख्वाब आपके ताल्लुकात में एक मुश्किल सूरत हाल और संगीन मसाइल की निशानदेही करता है। इन मसाइल की असल आपके सनफी इख्तलाफात पर वापस आ जाती है। दलाइल एतमाद का फुकदान और एक दूसरे के लिए एहतराम का मकसद अलहदगी और पसेमानी के अलावा कोई नहीं होता। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।